विनाश काले विपरीत बुद्धि। जाको प्रभु दारुण दुख देही बाकी मती। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। लेकिन ये कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी कांग्रेस नहीं है, ये इंदिरा जी की कांग्रेस भी नहीं है। अब आप बताओ, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कोर्ट के फैसले से हुआ, दिव्य और भव्य मंदिर बन गया, सारा देश आनंदित था, प्रसन्न था, घर घर तोरण द्वार पताकाएं लहराई जा रही थी, दीप जल रहे थे, रंगोली सज रही थी, देशवासी उत्साहित थे और पूरा देश प्रसन्न था कि ठीक है, अब दिव्य और भव्य मंदिर पर रामलला विराजमान होंगे। निमंत्रण कांग्रेस को भी मिला, क्या आप आइए और उस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आप सम्मिलित होइए। आप दिल से बताना, कांग्रेस को जाना था कि नहीं जाना था? अरे जोर से बताओ, जाना था कि नहीं जाना था? कौन फैसला कर रहा है, ये कैसे फैसले कर रहा है, किस भाव से फैसले कर रहा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जाको प्रभु दारुण दुख देही बाकी मती। अब इज्जत से बुलाया कि आइए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में। कांग्रेस ने फैसला किया हम नहीं जाते। क्या करते सुरेश भाई बताइए, सुरेश पचौरी जी क्या करते हैं इसी कांग्रेस में? अब जन भावनाओं का अनादर कर रहे हो। आज का जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो पूरी तरह से दिशाहीन है, उनको पल्ले ही नहीं पड़ता कि करें तो करें क्या, पता नहीं कौन सलाहकार, यही समझ में नहीं आ रहा। और ऐसी कांग्रेस इसलिए में ऐसे एक फैसले नहीं, अनेकों फैसले। कांग्रेसी मित्र कहीं मिले तो कह ले, अब मुझे कहा कांग्रेस के कई मित्रों ने, जब इन्हें कहा कि नहीं, कहा मंदिर पर गड़बड़ हुआ है और फलाना और अधूरा है और ऐसा हो गया, तो कह ले भैया जनता में जवाब देते ही नहीं बन रहा, हम क्या करें, या कांग्रेस में जा तो बताओ। ये हालत, ये सच्चाई में बयान कर रहा हूं। अब ऐसे गलत फैसले देश को सही दिशा नहीं दे सकते, और इसलिए कांग्रेस छोड़कर आने वाले विचारवान नेताओं का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब देश की खातिर आए,